IBN 7 Horsefly. नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पीड न्यूज। आपके साथ मैं हूं तेजस्वी चंडोक नैयर। इस वक्त की बड़ी खबर सबसे पहले राजधानी दिल्ली से, जहां दिल्ली के हौसखास इलाके में अंगीठी जलाकर सो रहे तीन लोगों की दम घुटने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि भारी ठंड की वजह से ये लोग अंगीठी जलाकर सो रहे थे। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो हम आपको बता दें, यहाँ पे हौसखास के हम आपको ये खबर दे रहे हैं राजधानी दिल्ली से, जहाँ पर अंगीठी जलाकर सोने के बाद यहाँ पे तीन लोगों की दम घुटने से मौत हो गई। सीधे रुख करते हैं हमारे सहयोगी ब्रजेश का। ब्रजेश, जानना चाहेंगे पूरा मामला क्या था। बिल्कुल, देखिए ये हौसखास की घटना है। देर रात को जब एक घर के अंदर पार्टी चल रही थी, तो पार्टी के बाद जो नौकर थे घर के, वो सर्वेंट क्वार्टर के अंदर अपने एक साथी के साथ सोए हुए थे। और साथ ही उन्होंने, अब तक जो जांच के बाद सामने आई है कि अंगीठी उन्होंने जलाई थी ठंड से बचने के लिए, और कमरा चूंकि बंद था, सफोकेशन हो गया और जो धुआं कमरे के अंदर था वो बाहर नहीं निकल पाया, जिसकी वजह से अब तक की जांच में ये पता चला है कि यही एक वजह हो सकती है जिसकी वजह से इनकी मौत हुई। वहीं जो इनका चौथा साथी है उसकी भी हालत गंभीर है, अस्पताल में उसको भर्ती कराया गया है। पूरा मामला उस वक्त ये सामने आया था जब घर में काम करने वाली एक और नौकरानी सुबह के वक्त जब सर्वेंट क्वार्टर में पहुंची और उसने देखा कि दरवाजा कोई नहीं खोल रहा है, उसके बाद लोगों को बुलाया गया और जब अंदर का लोगों ने नजारा देखा, पुलिस को जानकारी दी गई। कहीं न कहीं इस पूरे मामले में पुलिस अभी जांच कर रही है, लेकिन शुरुआती जांच में ये बात जरूर सामने आई है कि सफोकेशन की वजह से इन तीन लोगों की मौत हुई है। बिल्कुल ब्रजेश, जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गुजरात के वलसाड में 170 परिवारों के धर्मांतरण का मामला सामने आया है। वलसाड के कपराड़ा तालुका के राई गांव में विश्व हिंदू परिषद का एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में 170 परिवारों ने वापस हिंदू धर्म स्वीकार कर लिया। बताया जा रहा है कि वेशभी इस पूरे मामले को हिंदू संस्कृति दीक्षा का नाम देकर इसे धर्मांतरण से अलग रखना चाहती है। गुजरात के वलसाड में धर्म परिवर्तन की घटना सामने आने के बाद विवाद और बढ़ गया। दिल्ली के चर्च के प्रधान पादरी का कहना है कि अगर ये धर्म परिवर्तन जबरन करवाया गया है तो ये बड़ी हताशा की बात है और भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा। गुजरात सरकार के प्रवक्ता नितिन पटेल का कहना है कि इन सभी लोगों ने अपनी मर्जी से धर्म बदला और उनके साथ किसी तरह की जबरदस्ती की कोई शिकायत नहीं मिली है। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि जिनका धर्म परिवर्तन हुआ है वो उस वक्त आदिवासी थे और उन्हें जबरन ईसाई बनाया गया। धर्म परिवर्तन पर मचे बवाल के बीच वीएचपी के अशोक सिंघल ने कहा है कि हिंदू समाज धर्म परिवर्तन नहीं करवाता बल्कि दिल जीतता है। 800 वर्ष बाद पहली ये भोई सत्ता फिर से कायम हुई है, अर्थात हमारी संस्कृति और धर्म ये किस प्रकार से पराधीन बना रहा और हम किस प्रकार से संघर्ष करते रहे इन 800 वर्षों में, और संघर्ष करते करते एक दिन आया है कि जब हम कह सकते हैं कि आज एक प्रभुसत्ता हमारे देश में कायम हुई है जो हिंदुत्व की रक्षा करने के लिए कटिबद्ध है। धर्म परिवर्तन पर मचे घमासान के बीच भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह ने कहा है कि इस मसले का हल सिर्फ कानून से ही निकाला जा सकता है। जहां तक धर्मांतरण का सवाल है, हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर श्री वेंकैया नायडू ने पार्लियामेंट में स्टेटमेंट किया है कि सरकार जबरन धर्मांतरण पर रोक लगाने के लिए कानून लाने के लिए तैयार है। धर्म परिवर्तन के मुद्दे पर कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर जमकर हमला किया और प्रधानमंत्री मोदी के सदन में सफाई न देने पर रोष जताया। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने संघ पर देश को बर्बाद करने का आरोप लगाते हुए कहा कि पीएम मोदी ने विपक्ष की मांग के बावजूद राज्यसभा में सफाई नहीं दी। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने कहा कि विपक्ष केवल हंगामा कर रहा है, वो इसके लिए कानून बनाने में सरकार की मदद नहीं कर रहा। वहीं बीजेपी नेता और संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा कि इसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं है, लोग अपनी इच्छा से धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। बिहार के मुंगेर जिले में भी धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया। जिले के रतनपुरा गांव में 8 महादलित परिवार के लोगों ने हिंदू से ईसाई में धर्म परिवर्तन कर लिया। धर्म परिवर्तन करने वाले इन महादलितों का कहना है कि इन लोगों को शिक्षा स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाएं भी नहीं मिल पाती हैं और इसी से मजबूर होकर इन लोगों ने ईसाई धर्म कबूल किया। राजस्थान की वसुंधरा सरकार में मंत्री नंदलाल मीणा का आरजेडी पदाधिकारी को फोन पर गालियां देते ऑडियो सामने आया है।
मामला एक साल पहले विधानसभा चुनावों के वक्त का है, जब आरजेडी के पदाधिकारी हुसनैनी बोहरा ने एक अखबार में अपनी पार्टी का एक विज्ञापन दिया था। विज्ञापन देख विधायक नंदलाल मीणा ने फोन पर हुसनैनी को जमकर गालियां दी और हाथ पैर तोड़ डालने की धमकी दी। कोई कार्रवाई न होने पर हुसनैनी भारत छोड़कर चले गए। पुलिस ने अब तक कोई मामला दर्ज नहीं किया है। राजस्थान में एक और बीजेपी विधायक के वोटरों के धमकाने के मामले के बाद पार्टी की फजीहत हो रही है। कांग्रेस ने वोटरों को धमकाने के मामले पर कहा कि सत्ता में आने के बाद बीजेपी के लोग अहंकारी हो गए हैं। वहीं राजस्थान बीजेपी ने कहा कि अगर इस बात में सच्चाई होगी तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि राजस्थान के कोटा शहर में बीजेपी विधायक भवानी सिंह राजावत का एक ऐसा वीडियो क्लिप सामने आया है जिसमें वो लोगों को वोट न देने की सूरत में बेघर कर देने की धमकी दे रहे हैं। अपनी आने वाली फिल्म मैसेंजर ऑफ गॉड को लेकर बाबा राम रहीम एक बार फिर विवादों में फंस गए हैं। अकाल तख्त ने अगले साल की शुरुआत में रिलीज होने वाली राम रहीम की फिल्म मैसेंजर ऑफ गॉड पर पंजाब सरकार से रोक लगाने की मांग की है। अकाल तख्त का कहना है कि ऐसा शख्स जिस पर मर्डर और रेप जैसे गंभीर आरोप हैं, उसकी फिल्म से समाज में गलत संदेश जाएगा। अकाल तख्त ने पहले से ही लोगों को बाबा राम रहीम के समागम में शामिल होने से मना कर रखा है। वहीं शिरोमणि अकाली दल का कहना है कि फिल्म रिलीज होने के बाद ही कोई फैसला लिया जा सकता है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी संपर्क यात्रा के दौरान केंद्र सरकार पर जम के आरोप लगाए। किशनगंज के HS कॉलेज मैदान में हुई एक रैली में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार बिहार के प्रति खुलकर भेदभाव बरत रही है। बिहार को केंद्र से मिलने वाली राशि में भारी कटौती की जा रही है। पूर्व में राज्य सरकार ने NH की मरम्मत में जो खर्च किया उस राशि को भी केंद्र ने देने से इनकार कर दिया। नीतीश ने कार्यकर्ताओं से कहा कि बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में जनता को भरमा कर वोट लिए हैं। गुजरात के वडोदरा के 700 बच्चों ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को चिट्ठी लिखकर आतंकवाद बंद करने की नसीहत दी है। स्कूल के बच्चों ने नवाज शरीफ को अपनी ओर से नसीहत देते हुए लिखा है कि आतंकवाद से किसी का भी भला नहीं होने वाला। बच्चों ने चिट्ठी में लिखा कि आतंक आपने पैदा किया और अब वो आपके ही हाथ जला रहा है। नवाज को नसीहत देते हुए बच्चों ने कहा कि अब भी वक्त है, संभल जाइए और आतंक का साथ छोड़कर आतंकवाद को खत्म करने में भारत का साथ दीजिए। मणिपुर की राजधानी इम्फाल में IED ब्लास्ट होने से 3 लोगों की मौत हो गई और कई लोग जख्मी हो गए। इम्फाल में IED धमाके में 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई जबकि 4 लोग घायल हो गए। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। अभी तक किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। आपको बता दें कि एक हफ्ते पहले भी यहाँ पर एक बम ब्लास्ट हुआ था जिसमें एक शख्स की मौत हो गई थी और 5 लोग घायल हो गए। बिहार में एक पंचायत ने तुगलकी फरमान जारी कर लड़कियों की जींस पहनने और मोबाइल इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी है। गोपालगंज जिले की सिंघा पंचायत का मानना है कि लड़कियों को गुमराह होने से बचाने के लिए जींस और मोबाइल के प्रयोग पर पाबंदी जरूरी है और इस प्रतिबंध को ना मानने वाली लड़कियों के परिवार वालों को आर्थिक दंड देना पड़ सकता है। इस फरमान की खबर मिलते ही गोपालगंज DM ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। हरियाणा के पलवल के होटल बाजार में उस वक्त सनसनी फैल गई जब करीब आधा दर्जन बाइक सवार बदमाशों ने एक नाबालिग छात्र की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक होटल निवासी अंधुआ पट्टी निवासी साहिल का कुछ लोगों से झगड़ा चल रहा था। इसी रंजिश के चलते कुछ बदमाशों ने उस पर अचानक हमला कर दिया और साहिल को कई गोलियां लगी जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में 8 लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बिहार के भागलपुर रेलवे स्टेशन से GRP ने मजदूरी के लिए ले जाए जा रहे 6 नाबालिग बच्चों को छुड़ा लिया है। पुलिस के मुताबिक पटना मालदा इंटरसिटी से सभी बच्चों को बनारस ले जाया जा रहा था। भागलपुर स्टेशन परिसर में एक साथ इतने बच्चों को देखकर पुलिस को शक हुआ जिसके बाद पुलिस ने सभी बच्चों से पूछताछ कर मामले की जानकारी ली। इस दौरान बच्चों ने बताया कि मुख्तार नाम का शख्स सभी को मालदा से बनारस काम करवाने ले जा रहा है। पुलिस मामले की जाँच में जुट गयी है लेकिन आरोपी मौके से फरार हो गया। आगरा में कोचिंग से लौट रही एक नाबालिग छात्रा के साथ 2 युवकों द्वारा गैंग रेप करने का मामला सामने आया है। घटना थाना जगनेर के बहरगांव की है, जहां 10वीं में पढ़ने वाली एक छात्रा को रास्ते से खींचकर 2 युवकों ने दुराचार किया। छात्रा ने बताया कि गांव के राहुल और नीरज ने उसके रास्ते में कांटे डाल दिए थे जिसके बाद उसने साइकिल रोकी तो दोनों ने उसे खींच लिया। पुलिस ने आरोपी राहुल को गिरफ्तार कर लिया है लेकिन नीरज अभी फरार है। हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में भारी बर्फबारी के चलते रोहतांग टनल में फंसे मजदूरों को निकालने के काम में BRO को लगाया गया है। टनल में फंसे 135 मजदूरों को निकालने के काम में सीमा सड़क संगठन के जवान लगे हुए हैं। फंसे हुए मजदूरों और दूसरे कर्मचारियों को निकालने के लिए एयरफोर्स से भी मदद ली गई है। एक हेलीकॉप्टर को इस काम में लगाया गया है। 21 दिसंबर से लेकर 25 दिसंबर के बीच भी भारी बर्फबारी की संभावना जताई गई है जिसके बाद रोहतांग टनल में निर्माण कार्य कई महीने बंद कर दिया गया है। मुंबई में सड़क सुरक्षा को लेकर अभिनेता अभिषेक बच्चन ने रैली की और लोगों को रोड सेफ्टी टिप्स दिए। That John Abraham, who was teaching me how to ride a bike, was the first thing he said is put on a helmet.
So there's nothing more important than road safety and wearing a helmet. It's a great cause, and I really believe and I completely endorse what Maria Sir just said, that we all have somebody waiting at home, so we must take safety first. इंडियन सुपर लीग में पहली खिताबी जीत के बाद सौरभ गांगुली की टीम एथलेटिको दी कोलकाता के खिलाड़ी जमकर जश्न मना रहे हैं। कोलकाता में टीम ने विजेता कप को हाथ में लेकर अपनी खुशी का इजहार किया। पूरी टीम को बस से क्वेस्ट मॉल ले जाया गया, जहां उनके स्वागत में एक समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर टीम मालिक सौरभ गांगुली की पत्नी डोना गांगुली ने पहली जीत मिलने पर अपनी खुशी का इजहार किया। आईएसएल में कोलकाता की पहली खिताबी जीत के साथ ही यहां पर उनके समर्थक भी काफी उत्साह से भरे हुए हैं। स्वागत करते हैं देखेगा यहां पर सभी समर्थक। कोलकाता एयरपोर्ट पर समर्थकों की भारी भीड़ जमा रही। पहला आईएसएल जीत कर घर लौट रही कोलकाता के खिलाड़ियों की अगवानी करने के लिए उनके चाहने वाले एयरपोर्ट पर जमा थे। आपको बता दें कि शनिवार को हुए इंडियन सुपर लीग के फाइनल मुकाबले में पूरे टूर्नामेंट में बेहतरीन खेल दिखाने वाली एथलेटिको दी कोलकाता की टीम पहली चैंपियन टीम बन गई है। रोमांचक मुकाबले में सौरभ गांगुली की टीम ने सचिन की टीम केरला ब्लास्टर्स को 1-0 से हरा दिया। इस जीत के हीरो बने भारतीय खिलाड़ी मोहम्मद रफी, जिन्हें मैच में 74वें मिनट में रफी की जगह मैदान पर लाया गया था। मैच के मिले एक्स्ट्रा टाइम के आखिरी सेकेंड में रफीक ने कॉर्नर शॉट को गोल में बदलकर कोलकाता को आईएसएल की विजेता बना दिया। भारतीय पुरुष कबड्डी टीम ने पाकिस्तानी टीम को कबड्डी के फाइनल में हराकर विश्व कबड्डी चैंपियनशिप में अपनी बादशाहत कायम रखी है। पंजाब के बादल गांव में हुई इस प्रतियोगिता में भारतीय पुरुष टीम ने पाकिस्तान को 42 के मुकाबले 45 अंक से हरा दिया। वहीं महिला टीम ने भी फाइनल में न्यूजीलैंड को 27 के मुकाबले 36 अंकों से हराकर जीत की खुशी को दोगुना कर दिया। भारतीय पुरुष टीम ने लगातार पांचवीं बार यह खिताब जीता, जबकि महिला टीम चौथी बार वर्ल्ड चैंपियन बनी। भारतीय प्रधानमंत्री मोदी ने भी जीत पर महिला और पुरुष दोनों टीमों को बधाई दी। कबड्डी मैच में हार के बाद पाकिस्तानी टीम ने पक्षपात का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। यही नहीं, पाकिस्तानी कबड्डी टीम के कप्तान शफीक अहमद हार के बाद मीडिया के सामने फूट फूट कर रोने लगे। शफीक का आरोप है कि मैच वक्त से 3 मिनट पहले ही खत्म कर दिया गया। बता दें कि भारत ने 5वें विश्व कप में पाकिस्तान को हरा दिया, जिसके बाद पाकिस्तान टीम के कैप्टन ने मीडिया के सामने हंगामा करना शुरू कर दिया। पेशावर स्कूल हमले में मारे गए हुए बच्चों के शव देखकर कब्र खोदने वालों की आंखों से भी आंसू निकल पड़े। पेशावर में कब्र की खुदाई करने वाले ताज मोहम्मद शवों को दफनाते वक्त कभी नहीं रोते, लेकिन जब पेशावर आर्मी स्कूल में आतंकियों के शिकार बच्चों के शव दफनाने के लिए लाए गए तो ताज मोहम्मद फूट फूट कर रो पड़े। उनका कहना था कि ये उनके उसूलों के खिलाफ था, लेकिन वो बच्चों के शव देख खुद को नहीं रोक पाए। ताज ने कहा कि ये खुद के बच्चों को दफनाने जैसा काम था। और आइए अब देखते हैं कुछ अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरें। पाकिस्तान के पेशावर इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच हुई मुठभेड़ में 5 आतंकी मारे गए। मारे गए आतंकियों में से तहरीक तालिबान पाकिस्तान का एरिया कमांडर भी शामिल है। पाकिस्तान के कराची में सैकड़ों स्कूल के बच्चे जमा हुए और पेशावर स्कूल में मारे गए बच्चों की हत्या के विरोध में प्रदर्शन किया। बच्चों ने नारे लगाए कि मुल्क पाकिस्तानी सेना के हाथ। ग्रीस में रहने वाले पाकिस्तानियों ने एथेंस के सेंट्रल स्क्वायर पर जमा होकर पेशावर स्कूल में मारे गए बच्चों को श्रद्धांजलि दी। हाथों में मोमबत्तियां लेकर पहुंचे लोगों ने वहां थोड़ी देर का मौन रखा। चीन के सिचुआन प्रांत में एक सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई। दरअसल हाईवे पर एक के पीछे एक चल रही 5 कार एक दूसरे से टकरा गई, जिससे वाहनों में आग लग गई। पूर्वी इंडोनेशिया में एक ज्वालामुखी के फटने से दूर दूर तक रास्ते घने बादल छाए गए। इस घटना में 9 लोग जख्मी हुए हैं। साथ ही अधिकारियों ने उस दल की तलाश तेज कर दी है जो पर्वतारोहण अभियान पर ज्वालामुखी के पास गया हुआ था। चीन के दक्षिण पश्चिम इलाके चुआंगक्विंग में घने कोहरे की वजह से जीवन की रफ्तार धीमी पड़ गई है। अधिकारियों ने लोगों से कम रफ्तार में वाहन चलाने की सलाह दी है। वेटिकन के सेंट पीटर्स चर्च में 82 फुट ऊंचे क्रिसमस ट्री पर रोशनी की गई। ये क्रिसमस ट्री इटली के कैलिबेरिया इलाके की ओर भेंट किया गया है।
अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा अपने परिवार के साथ हवाई पहुंचे। ओबामा की ये यात्रा उनकी सालाना छुट्टियों का हिस्सा है। ओबामा परिवार के साथ उनके दो कुत्ते भी गए। कुर्द लड़ाकों के समर्थन में सीरिया के कोबानी इलाके में अमरीकी विमानों ने भारी बमबारी की। ये इलाका लंबे समय से आईसिस के आतंकवादियों के कब्जे में है। इलाके को खाली कराने के लिए कुर्द लड़ाके संघर्ष कर रहे हैं। और आइए अब देखते हैं मनोरंजन जगत की कुछ खबरें। आमिर खान की पीके का जादू लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है। शुक्रवार को रिलीज पर बम्पर ओपनिंग के बाद शनिवार को भी लोगों ने पीके को धमाकेदार रिस्पॉन्स दिया। शुक्रवार और शनिवार दोनों दिनों की कमाई मिलकर अब तक पीके की कुल कमाई 56,97,00,000 रुपए हो गई है। एक अवार्ड फंक्शन में सलमान खान ने कहा कि आमिर और शाहरुख के साथ फिल्म करने से अच्छा है कि वो शादी कर लें। अवार्ड फंक्शन में सलमान ने शाहरुख से दोस्ती पर भी फिर की। रणबीर कपूर की मां नीतू सिंह ने कहा है कि फिलहाल रणबीर कपूर अभी शादी नहीं करेंगे। इन दिनों ये अफवाहें जोरों पर हैं कि जल्द ही रणबीर कटरीना शादी करेंगे। एक अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक नीतू सिंह ने कहा कि रणबीर अभी शादी को तैयार नहीं। IBN 7 से एक्सक्लूसिव बातचीत में दीपिका पादुकोण ने कहा कि इंडस्ट्री में हीरोइनों को हीरो से 50% कम पैसे मिलते हैं। दीपिका ने इस बात पर अफसोस जताया कि हीरोइनों को क्रेडिट भी नहीं दिया जाता। फरहान अख्तर और अमिताभ बच्चन स्टारर फिल्म वजीर का पहला प्रोमो लॉन्च कर दिया गया है। फिल्म में अमिताभ एक विकलांग ग्रैंड मास्टर और फरहान एक ATS अधिकारी के किरदार में हैं। ये फिल्म अप्रैल 2015 को रिलीज होगी। मुंबई में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के छात्रों ने शाहरुख खान से रूबरू हुए। छात्रों को बेहद हैरत में और खुशी में डालते हुए शाहरुख खान ने स्टूडेंट्स को अपने बचपन से लेकर अब तक के कई दिलचस्प किस्से सुनाए। फिल्म बाजीराव मस्तानी के कास्ट और क्रू से खुश होकर संजय लीला भंसाली ने उन्हें एक शानदार पार्टी दी। पार्टी में दीपिका, रणवीर सिंह और प्रियंका खूब मस्ती करते नजर आए।